संजू सैमसन पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में नहीं खेलेंगे। संजू सैमसन के जो फैंस जिनको ये लग रहा था कि संजू सैमसन को इस वर्ल्ड कप में मौका मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है कि पहली प्लेइंग 11 से संजू सैमसन बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। हम भी पहुंच गए न्यूयॉर्क। इंडियन क्रिकेट टीम ने डिसाइड किया है कि ऋषभ पंत ही टीम इंडिया की फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर होंगे। यार वो तो हमें वार्म अप मैचेस से ही पता लग गया था, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत को भेजा गया वन डाउन पे, उन्होंने वहां पे भी 50 मार दी। नहीं, लेकिन वहां पर तो संजू सैमसन को भी एज एन ओपनर भेजा गया था ना, तो वहां पे उस वार्म अप मैच में वो फेल हो गए। लेकिन वो फेल होना इज नॉट द रीजन। मुझे लग रहा है ऑडिशन था वो। ऑडिशन यार, ऑडिशन ओपनिंग पे करा रखा है। ऑडिशन में वैसे ही जिसका ऑडिशन होना चाहिए तो यशस्वी जायसवाल का, उसको तो मौका ही नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट शो पहुंच चुका है न्यूयॉर्क। हम यहाँ पर न्यूयॉर्क में हैं। इस टाइम पर हम कहाँ खड़े हैं? ये बिलबोर्ड है जी, ये बिलबोर्ड तो पीछे है, खड़े कहाँ है? टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर में खड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो टीम इंडिया न्यूयॉर्क में पहले 3 मैचेस खेल रही है, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस पर भी पूरी नजर बना रखी है और उसमें काफी क्लियर हो चुका है कि संजू सैमसन टीम इंडिया की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, कम से कम जो प्लेइंग 11 है उसमें फिट नहीं बैठ रहे। अब सबसे बड़ी बात, अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे, तो मैं अब आपको बता देता हूं कि टीम इंडिया जब प्रैक्टिस कर रही है तो पिछले मैच में भी इस बार भी सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी। सबसे पहले जो मेन खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, ये 3 खिलाड़ी सबसे पहले बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और मैं बता सकता हूँ आपको, लगभग 20 से 25 मिनट, लगभग आधा घंटा लगातार पसीना बहाते रहते हैं। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट भी हैं वहां पर, नेट बॉलर्स भी हैं वहां पर, अर्शदीप भी बीच बीच में बॉल डाल रहे हैं, सिराज भी डाल रहे हैं, कल तो इनफैक्ट बुमराह भी लगातार बॉलिंग डाल रहे थे, जडेजा भी डाल रहे हैं, जडेजा भी डाल रहे हैं। तो सब चीजें वो मिक्स एंड मैच करके ये 3 प्लेयर्स सबसे पहले आधे घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब ये 3 चले जाते हैं तो आते हैं रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, और जो पिछली बार तो रविंद्र जडेजा दिखाई दिए थे, लेकिन कल अक्षर पटेल, जडेजा से भी पहले अक्षर पटेल बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है प्रशांत कि प्रैक्टिस अगर आप फॉलो कर रहे हो टीम इंडिया की, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेइंग 11 में कौन कौन नहीं खेलने वाला, क्योंकि वो जो खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, वो बिल्कुल लास्ट में आकर 15-15 मिनट बैटिंग कर रहे हैं। वो कर भी क्यों रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ। भाई तुमने नहीं खिलाना, हम नहीं कर रहे प्रैक्टिस। यशस्वी जायसवाल बॉलिंग कर रहे हैं, और तेरी रिंकू सिंह बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, ये इन दोनों से बॉलिंग कराए जा रहे हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं वो। भाई क्या पता ऑलराउंडर बन जाए दोनों। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन युजवेंद्र चहल तो ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं। उनको यार जबरदस्ती तो टीम में रख लिया, उनको जब नहीं खिलाना था आपने, उनका दिल टूटा हुआ था, टूटे रहने देते यार। और मैं तो कह रहा हूँ, पर खैर कोई बात नहीं, अब यूएस तो सब लोगों को आना अच्छा लगता है। अब देखो पाकिस्तानी टीम तो सिर्फ और सिर्फ वीजा के लिए आ गई। अब आप सोचो कि अलग अलग टीमों का अपना अलग अलग हिसाब है। 100 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल हो गया सारे प्लेयर्स का। पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका का वीजा वैसे तो मिलता नहीं, वर्ल्ड कप के खातिर लगवा लेते हैं, और 4-5 दिन जुम्मा एक हफ्ते में निकल जाएंगे। तो भाई ये उनका हाल है, इस तरीके से वहाँ हाल चल रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है कि पहले राउंड से बाहर हो जाएगी। लेकिन अभी हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है उसमें ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, आपके युजवेंद्र चहल, आवेश खान, तो ये जो भी लोग 15 में नहीं है वो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। 15 क्या, इनफैक्ट जो पूरे 18 है उसमें, हाँ मतलब उसमें सब दिखाई दे रहे हैं, जो भी रिजर्व्स भी आए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो प्लेइंग 11 है सबसे पहले वही प्रैक्टिस करते हैं और वो बिल्कुल साफ साफ है। अब संजू सैमसन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो संजू सैमसन का सबसे बड़ा फैन बेस अगर अमेरिका में किसी का है तो वो विराट कोहली का है, संजू सैमसन का नहीं है। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन, उसके बाद भी रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा और संजू सैमसन, देख रोहित शर्मा के लिए ना कोई पागल नहीं हो रहा, रोहित शर्मा के लिए कोई ढोल नगाड़े लेकर नहीं आ रहा, कोई ये नहीं कह रहा अन्ना ने नारे ने नारे ने नारे। लेकिन बिल्कुल यार, पूरे ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप, जो पूरे साउथ इंडियंस जो है वो उनका ग्रुप बना हुआ, और उन्होंने कहा साउथ इंडियंस मलयाली ग्रुप है वो,
आप भी बिल्कुल जेनेरिक शब्द मार रहे हो यहाँ पर। मलयाली में तो साउथ इंडिया में ही आते हैं। हाँ, होते हैं, पर आप और स्पेसिफिक बताओ ना। तो मलयाली, हाँ, तो क्या पता तमिलनाडु के भी लोग संजू सैमसन को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, हो सकता है। तो साउथ इंडियंस। सही कह रहा था मैं भाई, पर इतने बड़े बड़ी मात्रा में वो आ रहे हैं लोग। हाँ। और कह रहे संजू तो खेलेगा नहीं, और संजू सैमसन के लिए जबरदस्त जबरदस्त सपोर्ट है यहाँ पर संजू सैमसन के लिए। लेकिन संजू सैमसन के फैंस को मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि भाई वो प्लेइंग 11 में अभी नहीं खेलेंगे। ऑल दो नेट्स पर वो बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करते हुए अच्छे भी लग रहे हैं, करारे शॉट भी लगा रहे हैं। इस वीडियो में हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आईसीसी ने मना किया हुआ है कि जो शॉट्स हैं वो आप यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं लगा सकते, डिजिटल पर नहीं लगा सकते। अलाउ यार प्लीज, वो अलाउ भाई, वो मेरे को वहां पर वो बाहर वो मेरे को ये वीडियो शूट नहीं करने दे रहे। वो क्या बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि पहले तो मैं एक बंदा आया, उसने कहा वीडियो यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। क्यों? मैंने उससे कहा कि मैंने कहा कि यार क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रैक्टिस दिखा नहीं रहा, मैं इधर कमर करके कर लेता हूँ। तो उसने कहा नो। मैंने कहा यार बट क्या प्रॉब्लम है? उतनी देर में उधर से एक पुलिस वाला आया, अरे ले ले। बोला और मुझसे भी बात कर रहा वो। हाँ। उससे कह रहा है आर यू हैविंग अ प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, मैं चला जाता हूँ। नहीं करना शूट, मैं टाइम्स स्क्वायर से कर लूंगा, मेरा क्या है। तो भाई ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि जो भी आप प्लेइंग 11 बनाओ, जो भी 11 खिलाड़ी अगर आप चूज करते हो, अगर आप वो वाले गेम्स खेलते हो जिसमें आपको टीम चूज करनी होती है और फिर अवार्ड मिलते हैं, तो आप मैं आपको बिल्कुल एक स्पॉइलर दे रहा हूँ कि आप संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल मत करिएगा, क्योंकि संजू सैमसन अभी तो इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए नहीं दिख रहे। मेरे को तो आगे भी नहीं दिख रहे, वैसे हो सकता है कनाडा के मैच में खिला दे उनको जब हम तीनों मैच जीत जाए। यार ये भी कहने वाली ही बात है। संजू सैमसन ने उसमें अच्छे रन मार दिए, फिर क्या होगा? 150 रन। आप प्रॉब्लम देखिए, आप प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि संजू सैमसन अच्छा नहीं खेल रहे, प्रॉब्लम ये अगर वो अच्छा खेल गए तो क्या कर आए। ओ शिट, ये तो थे ही नहीं हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो संजू सैमसन के फैंस का थोड़ा सा दिल जरूर टूटा है, लेकिन संजू सैमसन कम से कम यूएस आए हैं। हाँ। मतलब उनको 15 खिलाड़ियों में, बेस्ट 15 खिलाड़ियों में रखने के लायक समझा हमारी मैनेजमेंट ने, क्योंकि लगातार इतने बढ़िया रन मार रहा है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है ऋषभ पंत वर्सेज संजू सैमसन, क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन को यह मौका मिलना चाहिए था, कि आपका क्या कहना है? जो भी कहना है आपका वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इंडिया और पाकिस्तान मैच के ऊपर जबरदस्त कवरेज मैं बिल्कुल स्टेडियम के बाहर से लेकर हम आएंगे, तो अगर आपको इस T20 वर्ल्ड कप देखने का असली मजा उठाना है तो आप भले ही ब्रॉडकास्ट उस चैनल पर देखिए जिस चैनल पर आ रहा है, लेकिन वीडियोज आप रिलेटेड सिर्फ स्विच पर देखिए। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच। हम भी पहुंच गए न्यूयॉर्क।